प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के डाकघर ने श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। बता दें कि अब घर पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रसाद, तस्वीरें, रुद्राक्ष की माला और भस्म प्रसाद और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए अब बस 251 रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं लोगों को नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए डाक विभाग ने बताया कि अभी तक डाक से केवल गंगा ही आता था, लेकिन अब प्रसाद भेजने की शुरुआत श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। यदि विभिन्न धार्मिक स्थलों में आप आस्था रखते हैं तथा किसी कारणवश वहां पर जाने में असमर्थ हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का प्रसाद आपको मिल जाएगा। डाक विभाग ने श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए अब धार्मिक स्थलों का प्रसाद लोगों के घर तक पहुँचाने का निर्णय लिया है। लोगों को भी नई योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। हिसार डाकघर से अब वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर, महादेव मंदिर, महाकाल, हरिद्वार आदि का प्रसाद मिल सकेगा। डाक विभाग जो है गंगा जल प्रोवाइड करवाते रहे और अभी जैसे केदारनाथ से, हरिद्वार से, माता वैष्णो देवी के द्वार से जहाँ से भी लोग प्रसाद मंगवाना चाहें तो उसके लिए EMO इलेक्ट्रॉनिक नॉली की मिनोरिटी उनको करना पड़ेगा। जैसे वो मिनोरिटी वहाँ पर जाएगा तो वे उसे स्पीड पोस्ट से प्रसाद आता है, तो स्पीड पोस्ट से पोस्ट में आपके घर पे प्रसाद को वितरित कर देगा। टूर्स में कहीं भी प्रसाद मंगा सकता है कोई भी कस्टमर। और हिसार मंडल में हिसार से फतेहाबाद, हाँसी, टोहाना पूरा एरिया इसमें पड़ता है और कहीं भी आप मंगवा सकते हो प्रसाद। अच्छा ये बताइए जी, जो इसका जो सेवाएं शुरू की है, क्या लोग कितना फायदा उठा रहे हैं इस सेवा का आपकी बातें विभाग डाक विभाग से? माता वैष्णो देवी के दर। अच्छा आप बात की जाए प्रसाद कहाँ कहाँ से, मतलब पूरे देश भर से कौन कौन से तीर्थ स्थल से आता है? ये हरिद्वार से। तो क्या लगता है जी, इससे मतलब जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं क्योंकि वो जा नहीं पाते, उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा, मतलब बुजुर्ग लोगों को? नहीं देखो ये आप कितना चार्जिंग लगता है जी इसको सेवा कुल पर? ये अलग अलग रेट हर जगह, तो आप कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 51 रुपये, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रेट है। अभी ये कि आप जो सुविधा डाक दे रहे हैं उसका फायदा उठाएं और घर बैठे प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं आप। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।